इंदौर शहर में कोरोना काल के इस कठिन समय में शहर के कुछ लोग समाज के वैमनस्य बढ़ाने व शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन ने चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अन्य अधिकारियों को दिए हैं। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस कठिन दौर में कुछ गैर जिम्मेदाराना तत्व समाज में वैमनस्य बढ़ाने और शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन ने एडिशनल एसपी व सीएसपी की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित किया है कि इस तरह के लोगों को चिन्हित करें और उन पर सख्त कार्यवाही करें। जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही भी करें ताकि कोरोना काल के इस कठिन दौर में शहर की शांति बनी रहे। अभी सभी एडिशनल साहिबान और सीएसपी साहिबानों के साथ में चर्चा की गई। कोरोना की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो तो हैं, उसके लिए पुलिस प्राणपण से दिन रात मेहनत कर रही है। उसके साथ साथ अभी कुछ गैर जिम्मेदारान तत्वों के द्वारा अभी भी ऐसी हरकत की जा रही है जो समाज में वैमनस्य बढ़ा सकती है और शांति भंग कर सकती है। तो सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि समाज की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करें और ऐसे लोगों का एनएसए तैयार करें ताकि समाज में, शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का और इस परिस्थिति में, बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की, शर्म की बात है कि जब समाज का बहुत बड़ा वर्ग, शासन, प्रशासन, सरकार, सब इस महामारी से जनता को कैसे बचाया जाए, हमारे शहर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसमें लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं जो कानूनन तो अपराध है, सामाजिक रूप से बहुत बड़ा अपराध है, सामाजिक रूप से हत्या के बराबर है। यदि किसी व्यक्ति के कारण, व्यक्ति के समूह के कारण समाज की शांति उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण भंग होती है तो ऐसे लोगों को कानून तो अपना काम करेगा ही, कोई भी समाज हो वो उन्हें माफ़ नहीं करेगा। और इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।